सीबीएसई एग्जाम से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने सीबीएसई परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला किया है। 10वीं की परीक्षा को सरकार ने फिलहाल रद्द कर दिया है, जबकि सीबीएसई 12वीं की परीक्षा टाल दी गई है। भारत में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 0.84 लाख नए मामले सामने आए हैं। यही कारण है कि देश में 4 मई से आयोजित होने वाली सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को रद्द, स्थगित या ऑनलाइन आयोजित करने की मांग बढ़ती जा रही है। पहले परीक्षार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों ने परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग की थी। तत्पश्चात प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, अभिनेता सोनू सूद, महाराष्ट्र बोर्ड, शिवसेना अधिकारी अरविंद सावंत और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इसके सपोर्ट में सामने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर आज एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। दोपहर 12 बजे से लगातार प्रधानमंत्री खुद सीबीएसई परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। इस बैठक के बाद सरकार ने यह फैसला किया है। सीबीएसई 10वीं की परीक्षाएं अब नहीं ली जाएंगी। सीबीएसई 10वीं के पेपर्स, जो कि 4 मई से 14 जून तक होने थे, उन्हें पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। बोर्ड की ओर से छात्रों के परफॉर्मेंस के आधार पर नंबर्स दिए जाएंगे। अगर कोई छात्र या छात्रा अपने नंबर से खुश नहीं होगा तो उसे बाद में एग्जाम देने का मौका मिलेगा। आदेश के मुताबिक 4 मई से 14 जून तक होने वाली 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। 1 जून को एक और बैठक होगी, जिसमें तब के हालात को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। अगर परीक्षाएं होंगी तो 15 दिन पहले ही छात्रों को सूचित कर दिया जाएगा, जबकि 12वीं की परीक्षा को लेकर 1 जून को दोबारा बैठक की जाएगी। छात्रों को परीक्षा के 15 दिन पहले इस बात की जानकारी दी जाएगी कि आखिर परीक्षा कब शुरू होगी। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, शिक्षा सचिव और सीबीएसई बोर्ड के अधिकारियों के साथ एक बैठक की और इसी बैठक में उन्होंने सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा रद्द करने और 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं को फिलहाल स्थगित करने का बड़ा निर्णय लिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।